नहीं, आपको क्या जरूरत थी पप्पो से ये बात करने की? और तुमने उस रिश्ते का क्या पास रखा जो तुमने मेरे मासूम भाई के साथ जोड़ा था? नागिन बनकर डस लिया ना उसको, मेरे भाई की कातला हो तुम। क्या बकवास कर रही है जुगनू, ये इतना बड़ा इल्जाम? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी हिम्मत? हिम्मत तो आपकी बेटी की हद से बढ़ गई है जिसने मेरे भाई का कत्ल कर दिया। भाई का खून माफ नहीं होने दूंगी मैं। अगर मैं खामोशी से सबर करके तुम्हारे भाई का घर छोड़कर आई हूँ और यहाँ पे उसी के नाम की इद्दत गुजार रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम आके मुझ पे कीचड़ उछालो, कुछ भी कहो। जाओ यहाँ से, वो रहा दरवाजा। इसको भेजे, मैं इसकी मजीद बातें नहीं सुनूंगी। भेजे इसे अभी। सुननी पड़ेगी, मेरी हर बात सुननी पड़ेगी तुम्हें, और दुनिया भी वही बोलेगी जो सच है। और ये जो इद्दत का ढोंग रचाया है ना तुमने, इसका पर्दा भी मैं ही फाश करूंगी। तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगी। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? हाँ, होश में तो हो? जानती भी हो इस बात का क्या मतलब हो सकता है? सब जानती हूँ मैं, जब भी तो यहाँ तक चलकर आई हूँ। काश कि आप उसे ना आई होती, इसका रिश्ता लेके हमारे घर, इस नागिन का जिसने मेरे भाई को डस लिया, तो आज वो जिंदा होता। बकवास बंद करो, दफा हो जाओ यहाँ से। और जो तुम्हारा बीमार निफ्सियाती भाई था ना, उसकी मौत का सोग मनाओ जाके। जाओ। मैं यहां से चली जाऊंगी तो तुम बच जाओगी? सबूत है मेरे पास, सबूत तुम्हारे भयानक जुर्म का। तुम्हें भी कब्र तक ना पहुंचाया ना तो मेरा नाम राबिया नहीं,